मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। मित्रों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ऐसी मतलब अति साधारण चीज़ के विषय में जो आपके हमारे सबके घर के किचन में उपलब्ध है, मसालों के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ लौंग की। आज आपको लौंग से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो यदि आप कर गए तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। स्पेसिफिकली मैं समस्याओं की बात करूंगा कि इन समस्याओं के लिए लौंग का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए। यकीन मानिए बहुत ही गुणकारी चीज़ है, माँ भगवती को बहुत पसंद है और लौंग के कई और भी करामात हैं, किसी और दिन बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि यदि आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो आप लौंग का कैसे इस्तेमाल करें। मित्रों यदि आप आर्थिक तंगी से हैं तो 7 लौंग के साथ 7 काली मिर्च लीजिए, इसको अपने सर से घुमाइए और कहीं ऐसी जगह फेंक आइए जहां कोई आता जाता ना हो। आप इस उपाय को सिर्फ 3 मंगलवार कीजिए। 7 लौंग, 7 काली मिर्च सर से घुमाइए, ऐसी जगह फेंक आइए जहां कोई आता जाता ना हो। यदि आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिले तो शमशान भूमि के पास भी आप जाकर फेंक सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे मित्रों, यदि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर कर गई है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है, तो आपको करना क्या है कि जोड़े में कपूर लेना है, 2 कपूर और 2 लौंग प्रतिदिन सुबह जलाइए, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप का धनागमन रुका हुआ है, आर्थिक तंगी तो मैंने बताया, आर्थिक तंगी कहते हैं कि धन आ रहा हो लेकिन बीमारी में, रोग में, मतलब अचानक से धन चला भी जा रहा हो और आप डिस्टर्ब हो, इसको हम आर्थिक तंगी कहते हैं। और यदि बिल्कुल धनागमन ही नहीं हो रहा हो, आपको हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा हो कि कल को मुझे बच्चे की फ़ीस देनी है, कैसे दूंगा, मेरे पास आमदनी नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए ज्योतिष शास्त्र आपको हर चीज़ का उपाय बताता है, यदि आप कर जाएं, यदि आप कर सकें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सरसों के तेल का एक दीपक बनाइए जिसमें आप 2 लौंग डालिए, सरसों के तेल का दीपक और उसमें 2 लौंग डालकर दीपक को जलाइए, प्रज्वलित कीजिए और हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, करके देखिए। मंगलवार मंगलवार आपको करना है, 3 से 4 मंगलवार होते होते आपके घर में धनागमन होने लगेगा और आपकी जो संकट थी कि ये काम कैसे करूँगा, वो काम कैसे करूँगा, इससे आपको निजात मिल जाएगी। मित्रों यदि आपके घर में बहुत कलेश हो रहा हो, यदि आपको ऐसा महसूस होता हो कि हमारी पत्नी हमारी बात नहीं सुन रही है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, या किसी स्त्री को यह महसूस हो रहा हो कि हमारा पति कहीं और इन्वॉल्व है, ऐसे केस में आपको बहुत ही साधारण काम करना है कि 1 कपूर, देसी कपूर 1 कपूर लेना है और 5 लौंग लेना है। 1 कपूर के साथ 5 लौंग को जलाइए और पूरे घर में दिखा दीजिए, आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। मित्रों इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी आपको यह छोटा सा लौंग बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। आप के घर में गणपति जी होंगे, गणपति जी को लौंग, पान और सुपारी के साथ चढ़ाइए, हर एक बुधवार को चढ़ाइए। अगर प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बुधवार को चढ़ाइए। 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 1 सुपारी, 5 लौंग और थोड़ा सा दुर्वा डाल के गणेश जी को अर्पित कीजिए, आपको सफलता मिलने लगेगी। अगर आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, दुश्मनों पर विजय प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा मददगार आपको हनुमान जी होंगे, इसके बाद काली माता होंगी। आपको करना क्या है कि एक कच्चा दिया लेना है, पका हुआ दिया नहीं लेना है, कच्चा दिया लेना है मिट्टी का। उस कच्चे दिए में थोड़ा सा कपूर लीजिए और 5 लौंग लीजिए,
और इसको जलाकर या तो काली जी की प्रतिमा के सामने या हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मंदिर में रखाइए। आपका दुश्मन बिल्कुल आपके नज़रों के सामने से हट जाएगा। इसके बाद यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, रोजी रोजगार में सफलता नहीं मिल रही है, तो एक नींबू लीजिए और उसके चारों तरफ आपको लौंग लगा देना। सनद रहे कि लौंग में फूल जरूर हो, आप लौंग लगा दीजिए और हम पवन नंदनाय नमः या ओम हनुमते नमः का 21 बार जप करिए। जब नींबू में लौंग लगा रहे होंगे तो इस मंत्र का जप करते रहिएगा। और जब नींबू लगा लीजिए तो जाकर हनुमान जी के पास रख दीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आशा करता हूँ आप इन उपायों को करेंगे, आत्मसात करेंगे और करके अपनी समस्याओं पे विजय प्राप्त करेंगे। जय सियाराम।